मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार दोपहर इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल ISBT का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इंदौर के कुमेडी में एयरपोर्ट की तर्ज पर बन रहे सर्व सुविधाओं से युक्त और वातानुकूलित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल की सौगात दिसंबर माह में मिलेगी और इस बस टर्मिनल से इंदौर और मध्य प्रदेश का देश में गौरव बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि इंदौर में कुमेड़ी क्षेत्र में 15 एकड़ क्षेत्रफल में 101 करोड़ रुपए की लागत से इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा यह अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल बनाया जा रहा है, जो कि आगामी दिसंबर माह में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके आगे उन्होंने कहा कि यह बस टर्मिनल सिंहस्थ के लिए भी बड़ी सौगात होगा। इसके माध्यम से यात्रियों को बेहतर आवागमन सुविधाएं मिलेंगी। इसी दौरान उन्होंने टर्मिनल के सामने ही बन रहे मेट्रो स्टेशन का भी निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने मेट्रो कार्य भी तेज गति से करते हुए पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी RP अहिरवार सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे। देखिए, हर एक जिले की अलग अलग आवश्यकता और अलग जिले की वित्तीय व्यवस्था भी है। ये इंदौर हमारा प्रदेश का एक तरह से आर्थिक राजधानी के रूप में इसका गौरवशाली स्थान है, इसलिए आइडियल और एक तरह से गरिमा गौरवपूर्ण मॉडल यहाँ से बनते हैं। फिर हर एक स्थान की अपनी अपनी वहाँ की परिस्थिति रहती है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि देश के अंदर ऐसे अगर बस स्टैंड बनाए जिससे हमारे देश का गौरव बढ़े। आपकी सबकी जानकारी के लिए इंदौर वो केंद्र है जहाँ आर्थिक रूप से सर्वाधिक विदेश के लोग भी आते हैं, देश के बाकी हिस्सों से भी लोग आते हैं। ऐसे में उनके बीच में हमारी निर्माण की कोई भी रचना सबके लिए सम्मान रखना चाहिए। मुझे संतोष है इस बात के लिए, बहुत अच्छी।